हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट 9। यूनिट 9 इज मुल्ला नसरुद्दीन। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 66। ओके, so open your textbook, page number 66. I will start from here. Okay, मैं यहाँ से start करूँगी बच्चों, tension मत लो। या unit 9 जो है मुल्ला नसरुद्दीन, okay, क्योंकि आपकी test आ रही है बच्चों, okay, उसमें unit 7, unit 8, unit 9 and unit 10 आएगा, okay, so we have to complete fastly as possible. जितना हो सके उतना हमें फास्टली ये कंप्लीट करना है। ओके, डोंट वरी। चलो, यहाँ तक हो चुका है बच्चों। ओके, यहाँ तक हो गया है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, चलो। द नेक्स्ट डे द मैन केम टू नसरुद्दीन लुकिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड एंड सेड, नाउ इट्स 6 मंथ्स, 10 chickens and a donkey inside my house. It is so crowded that no one can hardly move. अब दूसरे दिन, क्योंकि जो नेबर था मुल्ला का, मुल्ला नसरुद्दीन, सॉरी मुल्ला बोलो, नसरुद्दीन बोलो, के समझ जाना, मुल्ला नसरुद्दीन। तो मुल्ला नसरुद्दीन का जो नेबर था वो माइजरेबल लग रहा था मुल्ला को। फिर मुल्ला ने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है ऐसा। ओके, तो फिर उसके नेबर ने क्या बोला कि मेरा घर जो है बहुत छोटा है, कि हम लोग हार्डली मूव कर सकते हैं, यानी घर छोटा है, कॉटेज है, स्मॉल कॉटेज, और हम घर में रहने वाले 6 पर्सन है। 6 क्यों? 3 बच्चे, 1 उनकी वाइफ, वो खुद, यानी 5 वो और उनकी सास, यानी 6 लोग घर में रह रहे और सब लोग है ना उनको बोल रहे कि घर बढ़ा लो, घर बहुत छोटा पड़ रहा है, घर बढ़, और वो अफोर्ड नहीं कर पाता। ओके, अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको एक आइडिया दिया कि तुम्हारे पास चिकन है, 10 चिकन जो है उसको भी घर में ले जाओ, 10 चिकन जो थे ना उसको घर में ले जाओ। अब उसको भी वो घर में ले गया, 10 चिकन। अब चिकन तो 10 गए, यानी कितने हो गए, 16। अब बचा था डोंकी, तो बोले डोंकी को भी घर के अंदर ले जाओ, तो वो तो डोंकी को भी घर के अंदर ले गया है, तो कितने हो गए, 17। 6 के लिए वो कॉटेज स्मॉल पड़ रहा था, अब 17 है, 11 ज़्यादा, 10 तो चिकन, और चिकन तो आराम से बैठते नहीं है, वो तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं घर में, डोंकी भी घर में किस तरीके से रहता होगा। हाँ, तो अब उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ गई, हाँ उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ गई। तो दूसरे दिन फिर से वो नसरुद्दीन से मिला और बहुत दुख है, लुकिंग वेरी डिस्ट्रेट, मतलब उदास दिख रहा था, उदास दिख रहा था, और उसने कहा नाउ 6 ह्यूमंस है, यानी घर के अंदर 6 लोग, हम इंसान है, 10 चिकन्स है और इवन एक डोंकी है घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, यानी इतने लोग हैं, हम 4-6 इंसान, 10 चिकन और एक डोंकी है, और ये तो बहुत क्राउडेड हो गया कि हम लोग एक कोई हार्डली मूव कर सकते, यानी कोई घर में घूम नहीं सकता, हम घर में घूम नहीं सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यानी 17 लोग एक एक रूम में रहेंगे। तो नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन क्या रिप्लाई, यू ऑन अ गॉट टू, डोंट यू, यस आई डू, सेड द मैन, ग्रेट, नसरुद्दीन सेड, टेक इट इनसाइड द हाउस टू, द मैन ऑब्जेक्टेड, How is that going to solve anything? But Nasrudin once again convinced him to do as he had said. अब वो इंसान तो डिस्ट्रेट दिख ही रहा था, लुकिंग वेरी डिस्ट्रेट, मतलब दुखी दिख ही रहा था, उदास दिख ही रहा था, क्योंकि अब तो उसके उसने कहा कि अब तो मेरे घर में 6 तो इंसान है, हम 10 चिकन से और एक डोंकी भी है। ओके, तो क्योंकि अब इतना क्राउड हो गया है ना घर के अंदर कि हम लोग घूम नहीं सकते, तो नसरुद्दीन ने, उसकी बात ऐसी थी ना, और नसरुद्दीन ने क्या बोल दिया, नसरुद्दीन रिप्लाई, उसका तो बात सुनी ही नहीं, और दूसरा क्या बोल दिया, देखो यू हैव अ, यू ऑन अ गॉट टू, तुम्हारी एक गॉट भी है ना कि नहीं,
तो फिर उसने क्या बोला, वो इंसान ने क्या बोला, हाँ है, ग्रेट, बहुत अच्छा। नसरुद्दीन ने कहा उसको भी अंदर ले जाओ घर के अंदर, उसको भी घर के अंदर ले जाओ। मैंने थोड़े ऑब्जेक्ट तो किया, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टेड मीन्स विरोध किया कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैं यानी हाउ इज़ दैट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग, इस तरह से क्या सॉल्व होगा। बट नसरुद्दीन ने उसको समझाया, एक बार फिर से वो उसको समझाने में सफल रह गया, कहने में, और जिस तरीके से उसने बोला उस तरीके से वो करता जा रहा था। ओके, अब गॉट को भी वो अंदर ले गया, गॉट को भी, यानी 6 इंसान 10 चिकन 1 गॉट और 1 डोंकी, इतने लोग एक रूम में। द नेक्स्ट डे द मैन वॉकड अप टू नसरुद्दीन इन अ स्टेट ऑफ एंगर एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेड, योर प्लान हैज मेड अवर लाइफ माइजरेबल। ओके, दूसरे दिन वो इंसान है ना नसरुद्दीन के पास चला गया, और इन अ स्टेट ऑफ एंगर, यानी गुस्से और दुख, उदास के, गुस्सा भी था और उदास भी था, दुखी भी था। ओके, और वो तो गया, बोले तुम्हारा जो, और क्या कहा कि तुम्हारे प्लान ने हमारा जो जीवन था ना, अवर लाइफ, हमारी जो जिंदगी है ना, उसको अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल बना दिया है। देखो माइजरेबल मतलब वेरी अनहैप्पी एंड मतलब बहुत ख़राब, बदतर बना दिए, तुम्हारे प्लान ने हमारी जिंदगी बिगाड़ दी है, समझो। ओके, तुम्हारे, योर प्लान यानी तुम्हारे प्लान ने हमारी जिंदगी बिगाड़ दी है ऐसा। द हाउस इज नाउ सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन ब्रीथ। द हाउस इज नाउ सो क्राउडेड मतलब अब तो घर में बहुत टोले, क्राउडेड मतलब वॉच पॉच जिसको बोलते हैं, बहुत भीड़ है जिसको बोलते हैं, कि अब घर में तो बहुत भीड़ है कि दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन ब्रीथ, यानी तो अब हमारे घर में एक सांस, इवन सांस लेने में भी मुश्किल ही पड़ रही है, सांस लेने में भी मुश्किल ही पड़ रही है। माई फैमिली इज अपसेट एंड एवरी वन इज कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ स्पेस। अब मेरी फैमिली पूरा, अब मेरा जो फैमिली है वो अपसेट हो रही है, हो गई है अपसेट मतलब दुखी हो गई है, वो सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं जगह की जो कमी है उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि पहले 6 थे तो भी कंप्लेन कर रहे, अब बढ़ गए तो वो अपसेट हो गई ना पूरी फैमिली, पूरी उसकी फैमिली अपसेट हो गई और कंप्लेन करने लगी। डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, सेड नसरुद्दीन, गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड, द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड। अब बोले नसरुद्दीन ने क्या कहा, जब उसने बताया कि मेरी पूरी फैमिली अपसेट है और सब कंप्लेन कर रहे हैं, बोले नसरुद्दीन ने क्या कहा, डोंट गेट सो अपसेट, बहुत दुखी मत हो मेरे फ्रेंड, घर जाओ और सारे जो एनिमल्स है उसको घर के बाहर रख लो। ओके, और मैन ने जिस तरीके से नसरुद्दीन ने कहा वैसे ही किया। नेक्स्ट डे व्हेन द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन ही वॉज बीमिंग, ही सेड आई मस्ट थैंक यू मुल्ला, योर प्लान हैज वर्क्ड वंडर्स, नाउ दैट ऑल द एनिमल्स आर आउटसाइड देयर इज इनफ स्पेस इन द हाउस फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स, एवरी वन इज हैप्पी एंड कंटेंट विद द हाउस नाउ। अब बोले कि दूसरे दिन जब वो नसरुद्दीन के पास गया, जब वो दूसरे दिन जब लोग नसरुद्दीन के पास गए तो वो बहुत खुश दिख रहा था, खुश, ओके, यानी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट थी। उसने कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुल्ला, तुम्हारा जो प्लान था उसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, तुम्हारे प्लान ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, अब सारे एनिमल्स जो थे वो बाहर है, ओके, और घर में हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए इनफ स्पेस है, ओके, अब हमारे घर में हमारे जो फैमिली है उसके लिए इनफ स्पेस है, ओके, अब सब लोग खुश है और घर को अब सब लोग अब कंटेंट विद द हाउस, यानी अब घर को वो लोग चाहने लगे बच्चों, क्योंकि पहले घर छोटा लग रहा था, जब एनिमल्स आए सब आए फिर वो निकाल दिए तो अब घर से उनका लगाव बढ़ गया बच्चों। ओके, नाउ एक्टिविटी 4,
सोंस एक्टिविटी फॉर इज यू हैव टू राइट इन योर नोट वो ओके यानी आपके जो हार्डवर्ड्स लिखवा है हार्डवर्ड्स के बाद कीवर्ड्स लिखने कीवर्ड्स के बाद आपको एक्टिविटी फॉर लिखना है ओके कीवर्ड्स के बाद एक्टिविटी फॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज मुल व्हाट डिड मुल्लास ब्रदर इन लो आस्क हाउ डिड मुल्ला रिप्लाई मतलब मुल्ला के जो ब्रदर इन लो थे उसने क्या पूछा और मुल्ला ने क्या रिप्लाई दिया था क्या चलो क्वेश्चन आंसर मुल्लास ब्रदर इन लो मुल्लास ब्रदर इन लो आस्क्ड दैट ही वांटेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज मुल्लास ब्रदर इन लो आस्क्ड दैट ही वांटेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज मुल्ला रिप्लाइड दैट मुल्ला ने क्या रिप्लाई दिया देखो मुल्ला रिप्लाइड दैट ही इज स्लीपिंग सो गो अवे एंड डू नॉट बोदर मी ओके नाउ सेकंड चलो सेकंड इज व्हाई वाज मुल्लास नेबर सेड मुल्ला का जो नेबर है वो क्यों दुखी था सो आंसर इज मुल्लास नेबर वाज सेड because the lack of space in his house okay second now third question is what was mulla's advice to his neighbor mulla ki kya advice thi uske neighbor se so mulla gave advice answer is okay Answer is Mulla gave advice to his neighbor to bring all animals inside the house and keep them there. Okay, again I repeat this because this answer is not in your workbook. Okay, ये वाला answer है वो आपकी workbook में नहीं है. Okay, चल again I repeat Mulla gave advice. To his neighbor to bring all animals inside the house and keep them there okay now question 4 how did mulla solve his neighbor's problem yani mulla jo hai uske neighbors ki jo problem hai usko kis tarike se solve karta hai so answer is Mulla said his neighbor go back home and take all the animals back outside. Now there is enough space in the house for the all family members. Again I repeat this answer. Okay. Mulla said his neighbor go back home. And take all the animals back outside. Now there is enough space in the house for the all family members. Okay. You have to write activity 4 in your notebook. आपको ये activity 4 जो है वो आपकी notebook में लिखना पड़ेगा बच्चों. Okay. Now turn your page. Now activity 5. Here is a story of Akbar and Birbal. यहाँ एक story है अकबर और बीरबल की. अकबर बीरबल का नाम तो आपने सुना होगा बच्चों आपके दादा दादी से मम्मी पापा से किसी से भी ओके तो यहाँ एक अकबर और बीरबल की ही स्टोरी है चलो देखते One fine day, अकबर lost his ring. When Birbal arrived in the court, Akbar told him, I have lost my ring. My friend had given it to me as a gift. Please help me find it, Birbal said. Don't worry, your majesty. I will find your ring right now. Okay? यानी एक दिन one fine day मतलब
दिन तो अच्छे ही होते बच्चों, फाइन मतलब अच्छा। मतलब एक दिन ऐसा था कि अकबर की जो रिंग थी, अकबर ने उसकी रिंग जो थी वो घुमा दी, उसकी जो रिंग थी वो खो गई, अकबर की रिंग खो गई। वैन बीरबल अराइव इन द कोर्ट, जब बीरबल कोर्ट में, कोर्ट मतलब जो सभा बनती है ना राजमहल, उसमें जो उनका बैठक का होता है ना कोर्ट, उसमें आ पहुंचा। तो अकबर ने उनसे कहा कि मेरी जो रिंग है वो मेरे पास जो रिंग थी वो गुम हो गई है, मेरे फ्रेंड ने वो मुझे गिफ्ट में दी थी, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दी थी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। बीरबल ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो योर मजेस्टी, मतलब आपकी मान में, मैं तुम्हारी, आपकी रिंग जो है वो भी ढूंढ लेता हूँ। ओके, आई विल फाइंड योर रिंग नाउ, राइट नाउ। ओके, मैं अभी आपकी रिंग ढूंढ निकालता हूँ, चलो। ओके नाउ, ही सेज, योर मजेस्टी, द रिंग इज हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ, इट इज विथ वन ऑफ द क्वार्टियर्स, द क्वार्टियर हु हैज अ स्ट्रॉ इन हिज बियर एज योर रिंग। अब उसने कहा, योर मजेस्टी मतलब राजा को, किंग होता है तो उसको तो मान देते हैं, ओके कि आप योर मजेस्टी, ओके आपकी जो रिंग है, ओके ये किले में ही है, ओके द रिंग इज हियर, आपकी जो रिंग है वो यहीं पर है, रिंग है वो यहीं पर है, कोर्ट में ही है, ये कोर्ट में ही है। ओके अब ये किसी एक क्वार्टियर, क्वार्टियर मतलब कोर्ट की जो रखवाली करते हैं ना, उसको क्या क्या बोलते हैं, क्वार्टियर, वो प्रोटेक्ट कोर्ट। ओके क्वार्टियर मीन्स वो प्रोटेक्ट कोर्ट, यानी कोर्ट की जो देखभाल करते हैं ना बच्चों, कोर्ट की, कोर्ट मतलब किले की, राज्य की, मीन्स के महल की जो रखेवाल करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टियर। ओके क्वार्टियर, तो बोले कि आपकी जो रिंग है वही यही कोर्ट में ही है, किसी क्वार्टियर के पास, कोई किसी एक क्वार्टियर के पास, क्योंकि क्वार्टियर बहुत सारे होते हैं तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना ऐसे ही, तो किसी एक के पास होती तो सब पे नाम, सबका नाम आता है ना, इसलिए उसने बोला कि ये क्वार्टियर से उसमें से किसी एक के पास है। अब बोला कि एक ऐसा क्वार्टियर जिसकी जो बियर्ड है उसकी बियर्ड में स्ट्रॉ है, ओके उसके पास आपकी रिंग है, बियर्ड हैज़ योर रिंग, यानी एक ऐसा क्वार्टियर जिसकी बियर्ड में, बियर्ड मतलब दाढ़ी में, उसकी दाढ़ी में स्ट्रॉ है और उसके पास रिंग है। द क्वार्टियर वो हैड द इम्पीरियल्स रिंग वॉज शॉक्ड एंड इमिडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड। ओके द क्वार्टियर, एक क्वार्टियर था जो सम्राट की रिंग, एम्पियर्स रिंग वॉज सॉक्ड, ओके क्योंकि वो सॉक्ड हो गया था, जिसने एम्पियर की रिंग ली थी ना, जिसके पास एक क्वार्टियर, यानी जिसके पास एम्पियर मीन्स सम्राट की जो रिंग थी वो थी ना, वो शॉक्ड हो गया, घबरा गया, और उसने तुरंत ही अपनी जो, अपना जो हैंड था ना अपनी दाढ़ी के ऊपर मूव किया, घुमाया। बीरबल नोटिस्ड हिज एक्ट ऑफ द क्वार्टियर, अब बीरबल वो सब, बीरबल ने जब इस तरीके से बोला तब उसकी नज़र सब क्वार्टियर पर थी, उसकी नज़र सारे क्वार्टियर के पर थी, तो उसने नोटिस किया कि ये क्वार्टियर है वो कुछ इस तरीके से अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमा रहा है। ही इमिडिएटली पॉइंटेड टूवर्ड्स द क्वार्टियर एंड सेड, प्लीज सर्च दिस मैन, ही हैज़ द एम्पीरर्स रिंग। अब उसने तुरंत ही वो क्वार्टियर था उसकी तरफ उंगली करके, यानी पॉइंटेड टूवर्ड्स मतलब उंगली करके बताया, प्लीज सर्च दिस मैन, यानी ये इंसान की तलाशी लो, इसके पास ही सम्राट की रिंग है। ओके अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल हैड मैनेज टू फाइंड द रिंग। बीरबल देन टोल्ड अकबर दैट अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज कैट। अकबर समझ नहीं सका कि किस तरीके से बीरबल ने रिंग ढूंढ निकाली, अकबर को कुछ पता ही नहीं चला, वो समझ ही नहीं सका कि बीरबल ने किस तरीके से वो रिंग है वो फाइंड आउट कर दी, मतलब ढूंढ ली। तो बीरबल ने उससे पूछा, बीरबल ने बाद में अकबर से कहा कि एक गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज कैट, यानी एक
अपराधी होता है ना वो हमेशा डरा हुआ आता है, ओके, गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्कैर्ड, यानी एक अपराधी होता है ना वो हमेशा डरा हुआ होता है, ओके स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर एक्टिविटी 6, ओके, सो बाय।